दोस्तों पावर पॉइंट में इस तरह का आप इंट्रो बना सकते हैं और इसी इंट्रो को बनाकर आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का एनिमेशन लगाकर आप इसको YouTube के अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। तो इस इंट्रो को कैसे बनाया जाता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज लेते हैं, नया ब्लैंक पेज लेते हैं और वहां जाके हम इसका साइज को 16:9 में बदल देते हैं और यहां से हम एक सर्कल लेते हैं और शिफ्ट कंट्रोल पकड़ते हुए इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। कलर वगैरह चेंज करने के बाद यहां से नो आउटलाइन कर लेते हैं और कलर को चेंज करने के बाद सेंट्रल और मिडिल कर लेते हैं अलाइनमेंट में जाके। फिर से यहां पे और एक शेप लेते हैं और यहां से येलो बटन को प्रेस करते हुए इसका जो पॉइंटर को है इसको हम थोड़ा से बढ़ाते हैं और इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। सेव फिल में जाकर कोई भी कलर जो आपको पसंद है या मिलता जुलता जो कलर, और यहां से हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहां पे हेलो लिखते हैं और इसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज तमाम चीज हम इसको चेंज कर लेते हैं यहां से ताकि इसके साथ ये परफेक्ट मैच हो जाए। और यहां से हम इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं और ये दोनों को पकड़ के हम इसको अलाइन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं सेंट्रल और अलाइन मिडिल कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल मिडिल में लगे। अब इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, अब चलिए एक पिक्चर हमको लेना है जो सर्किल के ऊपर हमको डिस्प्ले कराना है, चाहे आपका लोगो हो चाहे आपका पिक्चर हो। फिलहाल हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर है, इस पिक्चर को हम लेते हैं और इसमें हम इसको सर्कल के ऊपर इसको रखेंगे। चलिए ये वाला जो पिक्चर है हम ये वाला यहाँ से चूज करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और शिफ्ट कंट्रोल पकड़ते हुए इसको हम रिसाइज करते हैं और इसको बिल्कुल मिडिल में इसको रखें। फिर यहाँ से एक रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं और यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं और यहाँ येलो वाला जो साइन है उसको पकड़ के थोड़ा सा हम राउंड कर लेते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। अब इसका भी हमको कलर चेंज कर लेना पड़ेगा, मैचिंग कलर अब कर लीजिए और यहाँ से आप नो आउटलाइन कर लीजिए। अब इसी के ऊपर एक हम टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, तो चलिए हम लोग वेलकम हियर या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए जो यहाँ पे एनिमेट होकर आएगा। तो यहाँ से चलिए हम इसको फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, इसका साइज वगैरह बढ़ा लेते हैं और दोनों को पकड़ के हम अलाइन कर लेते हैं मिडल और सेंटर। उसके बाद अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जो जो करना था कर लिए। अब हमको इसमें एनिमेशन लगाना है, तो चलिए हम लोग एंट्री एनिमेशन किस तरह से एंट्रेंस होगा ये एनिमेशन हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल में एनिमेशन में मेनू में जाते हैं और यहाँ एनिमेशन पेन जो आपको दिख रहा है इसको हम खोल लेते हैं ताकि जो भी वर्क करे आफ्टर और प्रीवियस कौन एनिमेशन किसके बाद आएगा वहां दिखे। अब हम सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और एड एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ जूम का एनिमेशन लगाते हैं ताकि फर्स्ट टाइम जो सर्कल आए जूम होकर आए, यहाँ से हम टाइमिंग वगैरह चेंज कर लीजिए। ठीक है, ताकि एक ही साथ जूम हो, उसका टाइमिंग सब पारी पारी से एक ही हो। उसके बाद हम पिक्चर को लेते हैं, फिर इसमें जूम लगाते हैं और इसको हम आफ्टर प्रीवियस दे देते हैं और यहाँ पे हम टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, जो टाइमिंग आपको सूट करे वो टाइमिंग चेंज कर लीजिए, ड्यूरेशन वगैरह। चलिए हम 0.25 लगाते हैं, फिर इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हेलो वाला विथ आइकॉन, इसको भी हम जूम देते हैं। ये सब जूम होके आएगा और यहाँ से हम स्टार्ट विथ आफ्टर विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, आप एक साथ लगाना चाहते हो तो एक साथ लगाएं। यहाँ से हम टाइमिंग चेंज कर लेते हैं 0.25, मतलब हमारा पिक्चर और हेलो दोनों एक साथ आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नीचे राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप में, इसको हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, आपको एक मोर एंट्रेंस इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे हम साइड में रखते हैं और इसको हम सब टाइल से एक्सपेंड करते हैं, इस तरह से एक्सपेंड होके आएगा और इसको ओके करते हैं। अब हमारे ये भी हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग को हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर लेते हैं ताकि ये एक्सपेंड होकर आए। उसके बाद कुछ लिखावट जो भी हम टेक्स्ट लिखे वो लिखा लिख कर आए, तो इस
ये किस तरह से लिखा है, तो फिर से हम एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ पे हम वाइप एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम फ्रॉम लेफ्ट लेते हैं। अब इसके बाद इसका टाइमिंग वगैरह चेंज कर लीजिए, और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये टेक्स्ट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। चलिए हम टाइमिंग वगैरह ठीक से कर लेते हैं, ताकि कुछ देर तक ये टेक्स्ट स्टेबल रहे, उसके बाद फिर एग्जिट हो। ठीक है, तो चलिए अब एग्जिट वाला एनिमेशन लगाते हैं। मैंने ये टेक्स्ट आने के बाद फिर से एग्जिट होना तो है, उसके बाद फिर दूसरा टेक्स्ट आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जिट वाला ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एग्जिट वाला ऑप्शन में आपको वाइप लिए थे, वाइप ले लीजिए, और यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर लिए। फ्रॉम लेफ्ट से ही वाइप होगा, या फ्रॉम राइट से, या फ्रॉम लेफ्ट राइट, या टॉप बॉटम, कोई भी है आप ले लीजिए। चलिए फिलहाल हम इसको लेफ्ट से ही आउट करते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम लेफ्ट ले लें। तो एक बार आया, और उसके बाद फिर एग्जिट हो गया टेक्स्ट। चलिए हम इसको आफ्टर प्रीवियस करते हैं, और यहाँ से हम टाइमिंग वगैरह फिर से चेंज कर लेते हैं, कितना देर तक स्टे करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कंट्रोल F5 करके। तो इस तरह से हमारा ये आएगा, ये अभी तक एंट्री हुआ है। ठीक है, एंट्री होने के बाद अब हमको इस टेक्स्ट को और भी टेक्स्ट इसका साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलिए हम कंट्रोल डी करते हैं, और डुप्लीकेट करके यहाँ पर हम टेक्स्ट को बदल देते हैं। वेलकम हियर, अपना चैनल का नाम लिख दीजिए, या लाइक और सब्सक्राइब लिख दीजिए, जो लिखना है लिखिए। और इसके बाद इसके ऊपर भी जैसे हम टेक्स्ट को करते हैं, वहाँ पर ही देखिए राइट साइड में इसका एनिमेशन भी साथ साथ आ जाता है। और इसको आफ्टर प्रीवियस कर दीजिए, जो भी हम एनिमेशन उस टेक्स्ट पर लगाए थे एंट्री और एग्जिट वाइप का। अब चलिए फिर से देख लेते हैं, ये टेक्स्ट आया, ये वेलकम हियर, और इस तरह से दोनों टेक्स्ट आया, दोनों के ऊपर इन और आउट एनिमेशन लगा हुआ है। अब हम लोग टेक्स्ट का एनिमेशन में एग्जिट करेंगे, तो स्मूथली एग्जिट होगा। तो सबसे पहले हम सर्कल में एनिमेशन लगाए थे, इसलिए हम सर्कल में जाएंगे। यहाँ से हम जूम का एग्जिट एनिमेशन लेंगे, ये जूम आउट हो गया, मतलब वो एग्जिट हो गया, जो भी एनिमेशन हम सर्कल लगाए थे। आफ्टर प्रीवियस करते हैं, सब होने के बाद ये एग्जिट होगा पारी पारी से। उसी तरह से फिर पिक्चर में भी एग्जिट कर देते हैं जूम एनिमेशन लगाकर, और विथ प्रीवियस कर देते हैं। और यहाँ पे हेलो वाला आइकॉन है, उसको भी जूम आउट कर देते हैं एग्जिट वाले में जाके। और यहाँ से टेक्स्ट को जो मैंने फॉर्मेट है राउंडेड शेप था, उसको भी हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं सबटाइल में जाके, ताकि वो एक्सपेंड होकर आया और कॉन्ट्रैक्ट होके जाएगा, मैंने श्रिंक होके जाएगा। तो चलिए ये वाला भी लग गया, और इसको आप चाहें तो आप बदल बदल के देख सकते हैं कौन वाला सही है। तो चलिए ये वाला सही है, क्योंकि आया था उसी तरह से। अब इसको भी हम कर देते हैं, और यहाँ पे अब इसका टाइमिंग और स्टार्ट विथ व्हाट, विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस। तो चलिए हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं, और टाइमिंग को थोड़ा से हम लोग कम कर देते हैं, ताकि बहुत देर तक ये स्टे ना रहे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो चलिए ये एंट्री हुआ, और यहाँ से एक्सपेंड हुआ, और दो या तीन या चार जितना भी आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं लाइए, इस तरह से एग्जिस्ट हो। ये तो काम तमाम चीज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर को चेंज करना है, तो यहाँ डिजाइन में जाइए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके यहाँ पर ही जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको व्हाइट कलर पसंद नहीं है। तो चलिए हम ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको फिर से एनिमेट करके देखते हैं। ये ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड में इस तरह से आपका इन होता है, और फिर इस तरह से जूम आउट होके ये एग्जिट हो जाता है, ये इंट्रो। फाइनली इसको आपको सेव करना है, पावर पॉइंट 2013 में आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, वीडियो फॉर्मेट में आप सेव करते हैं, तो सेव एज में जाइए, यहाँ से ब्राउज कर लीजिए कहाँ आपको रखना। चलिए हम डेस्कटॉप में रखते हैं, यहाँ पर इंट्रो का फाइल नेम इंट्रो ही दे देते हैं, और यहाँ से सेव एज MPEG-4 वीडियो फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो नीचे की तरफ देखिए, क्रिएटिंग वीडियो इंट्रो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से ये वाला वीडियो आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये रेडी होता है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग वीडियो हमारा रेडी हो गए, ये देखिए हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय, टेक केयर।